कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इधर मध्य प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ गया है। प्रधानमंत्री का एक बयान और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने साधा सिंधिया के ऊपर निशान। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि हम पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, सरकार आएगी हमारी सांप्रदायिक एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मंगलवार का दिन है, हम बजरंग बली को नमन करने आए हैं और कांग्रेस जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद कर। शर्म आनी चाहिए, अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग भली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी, मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी, इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था याद है 2017 में? आपको बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के वादे किए। घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया और पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, निशाना साधा कि कांग्रेस इससे पहले भगवान हनुमान की पूजा करने वालों को ताले में बंद करने की कोशिश करने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले ही कांग्रेस भगवान राम को ताले में बंद कर चुकी और अब वो जय बजरंग बली का नारा लगाने वालों को ताले में बंद कर रही है। पीएम मोदी के इस बयान के सामने आने के बाद, या यूं कहें कि पीएम मोदी के इस आरोप के बाद, मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करा, इस ट्वीट में सिंधिया के ऊपर निशाना साधा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2017 में कहा था कि बजरंग दल के लोग ISI से प्रमाणित है, आप सिंधिया जी को एक बार फोन कर लीजिए। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सिलसिलेवार ट्वीट करे। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि सिंधिया जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अपने प्रभाव का उपयोग कर इन सभी लोगों के खिलाफ NSA लगवाएं, इन्हें गिरफ्तार कराएं, मुख्यमंत्री से पूछे कि आखिर इनको जमानत कैसे मिल गई। आगे दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आप बिना प्रमाण के मुझे देशद्रोही बता रहे हैं, लेकिन जिस BJP को आप पाकिस्तान की ISI पार्टी कह रहे हैं, अब आप उसे राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, मुझ पर इतना अन्याय तो ना करें। आपको बता दें यहाँ पर दिग्विजय सिंह सिंधिया के पुराने बयान को कोट कर रहे थे और इस बयान को कोट करते हुए उन्होंने निशाना साधा सिंधिया के ऊपर। तो फिलहाल भले ही चुनाव कर्नाटक में हो, भले ही कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी किया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत भी जो है वो गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हालांकि दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर अब देखना होगा कि सिंधिया क्या जवाब देते हैं। जो भी इस मामले में अपडेट होगा MP तक सबसे पहले आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।